इंसाद दहशतगर्दी की अदालत से इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। खातून एडिशनल सेशन जज को धमकी दिए जाने पर इमरान खान के खिलाफ इंसाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहदारी जमानत हासिल की थी। चेयरमैन पीटीआई की पेशी के मौके पर फेडरल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के इतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कॉम्प्लेक्स के इतराफ की सड़कें बंद कर दी गयी और गैर मुतलका अफराद को इमारत में दाखिले की इजाजत नहीं थी। दादू में बंद टूटने से सैलाबी पानी घरों की तरफ बढ़ने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि हम पानी में फंसे हुए हैं, लेकिन इमदाद के लिए कोई नहीं पहुंच रहा। इसके अलावा शिकारपुर में बारिश के बाइस कई मकामात पर पानी जमा हो गया और कई कच्चे मकानात गिर गए। सड़कों और सैलाबी कैंपस में मौजूद मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। निकासी आप का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम। रिहायशी कॉलोनियां जेरे आब आ गयी। शहबाज गिल ने सेशन कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। शहबाज गिल ने अपने वकील फैसल चौधरी और दिगर कानूनी टीम के तवासत से सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। शहबाज गिल ने दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी बगस की बुनियाद पर बनाया गया। मेरे बयान के कुछ हिस्से तोड़ मड़ोड़ कर FIR में शामिल किए गए। दरख्वास्त में कहा गया कि आला तरीन यूनिवर्सिटियों से फारगुल तहसील हूँ, अमरीका और यूरोप की दरसगाहों में पढ़ता रहा हूँ। NA 22 से इमरान खान के कागजात दुरुस्त करार, दरख्वास्त गुजार की अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 22 मर्दान के लिए इमरान खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इमरान खान पहले से ही कौमी असम्बली के रुकन हैं। उन्होंने दूसरे हल्के से इलेक्शन लड़ने की कोई वजह नहीं बताई। इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने और सासे वंचमंद करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का दो रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी दो रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। इसहाक डार ने गुज़श्ता दिनों इश्तिहारी करार देने और सासे वंचमंद करने के मामले पर जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी।